हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्ति पीठ पर माता के श्रवण अष्टमी मेला प्राचीन परंपराओं के मुताबिक विधिवत पूजा अर्चना मंत्र उच्चारण के साथ शुरू हो गया। सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का आगाज हुआ। मंदिर को फूलों और गुब्बारों के साथ सजाया जा रहा है, लेकिन पूजा अर्चना और आरती में मात्र स्थानीय पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों ने ही भाग लिया। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष श्रवण अष्टमी नवरात्र में मेले में श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये मेला 21 जुलाई से 29 जुलाई तक मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लगने वाला ये सबसे बड़ा मेला है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते मंदिर के मुख्य द्वार बंद हैं और श्रद्धालुओं को मंदिर में आने पर मनाही है। लेकिन श्रवण अष्टमी मेले का विशेष महत्व है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मेले के दौरान माता नैना देवी के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों से महरूम रहना पड़ेगा और मंदिर में अगले 10 दिनों तक पूजा पाठ विधिवत रूप से चलता रहेगा ताकि विश्व शांति बनी रहे और इस महामारी से सभी को निजात मिले। भगवती माँ नैना देवी के पावन नवरात्रों के शुभ अवसर पर समस्त पुजारी वर्ग द्वारा नित्य प्रति भगवती माँ की पूजा अर्चना जप आदि अनुष्ठान निरंतर जारी रहेगा, जो कि पहले से भी जारी रहता आया है। समस्त पुजारी वर्ग जो है भगवती माँ नैना देवी से यही करवत प्रार्थना करेंगे कि ताकि ये महामारी जनित रोग शीघ्र ही नष्ट हो। भगवती माँ नैना देवी की अपार कृपा सभी पर नित्य बरसती रहे, यही करवत प्रार्थना है। भगवती माँ नैना देवी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को, सभी आगंतुकों को मंगल कामनाएं। इसी के साथ भगवती माँ नैना देवी की कृपा से यही हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भगवती माँ नैना देवी सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्राप्त करने। जय तु नैने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज से माता जी के श्रावणाष्टमी के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं पूरे विधि विधान के साथ, तथा पूजा पाठ पूरे कार्यक्रम के साथ किया जा रहा है और पांचों आरतियां वैसे की जा रही हैं जैसे रोज़मर्रा के उसमें की जाती हैं। परंतु आज जो बीमारी फैली हुई है कोविड-19, इसके कारण माता जी के जो दरवाजे हैं जो श्रद्धालुओं के लिए वो बंद रहेंगे, तथा पाँचों आरतियाँ वैसे की जाएंगी सभी के लिए, जिससे जो ये बीमारी फैली है इसमें शांति मिले और भाईचारे की भावना को बढ़ोतरी मिले।